प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही लगातार तीसरी बार देश की सत्ता की कमान मिल गई है, लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों से संसद की तस्वीरें बदल दी हैं। संसद के उच्च सदन में अभी तक बीजेपी और मोदी सरकार के लिए नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी संकट मोचन बनती रही है। संसद में चाहे बिल पर वोटिंग करने की बात हो या फिर किसी मुद्दे के समर्थन की। बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया और इसमें बीजेडी भी शामिल थी। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के हर कदम पर बीजेडी साथ खड़ी नजर आई है। 2014 से लेकर 2024 के चुनाव से पहले तक बीजेपी के हर मौके पर बीजेडी समर्थन करती रही है। धारा 370 के निरस्त करने वाला विधेयक, तीन तलाक का के गौर कानूनी बनाने वाले विधेयक और नागरिकता संशोधन CAA विधेयक सहित कई अहम मौकों पर संसद में मोदी सरकार के साथ बीजेडी खड़ी रही है। लोकसभा में विपक्ष ने जब जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया था, तब तब नवीन पटनायक की बीजेडी संकट मोचक बनी। लोकसभा में 2014 से 2024 तक बीजेपी अपने दम पर हर बिल पास कर लेती थी, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। राज्यसभा में उनके पास बहुमत ना होने के चलते बीजेडी और YRS कांग्रेस जैसे दल ही मोदी सरकार का सहारा बनते रहे हैं। इन दोनों दलों का समर्थन जुटाकर राज्यसभा की बाधा भी पार कर ली जाती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बदल गई है। उड़ीसा की सत्ता गंवाने और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नवीन पटनायक की सियासत बदल गई है। चुनाव नतीजे के बाद पटनायक ने साफ कर दिया है कि बीजेडी अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी, जिसकी झलक बुधवार को राज्यसभा में देखने को मिली। बीजेडी के बदले हुए सियासी तेवर और मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी की नई आक्रामकता को 2024 के चुनाव में मिली असफलता के बाद लोगों का विश्वास वापस जीतने के लिए सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेडी विपक्ष की भूमिका में रहकर अपनी छवि को बेहतर बनाने में जुटी है, जिससे चलते इंडिया गठबंधन के साथ कदम ताल जुटी करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेडी सुप्रीमो और पूर्व CM पटनायक ने अपनी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों के साथ बैठक कर कहा था कि पार्टी उड़ीसा के हितों की रक्षा के लिए संभव प्रयास करेगी। पटनायक ने साफ कह दिया था कि अब बीजेपी का समर्थन नहीं, सिर्फ विरोध। बीजेडी सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के साथ वॉकआउट कर अपने संकेत दिए हैं। नवीन पटनायक की बीजेडी में आए सियासी बदलाव इसलिए भी अहम हैं क्योंकि राज्यसभा में अभी उनके 9 सदस्य हैं। बीजेपी के पास अभी भी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत का नंबर नहीं है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने सहयोगी और अन्य दलों पर भरोसा करना पड़ता है। 2014 से 2024 तक हर अहम मौके पर बीजेडी ने मोदी सरकार को साथ देती रही है, जिसके चलते कोई भी बिल पास कराना आसान हो जाता है। लेकिन अब बीजेडी के बदले हुए तेवर से उच्च सदन में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। राज्यसभा में अभी 245 सांसद सदस्य हैं। ऐसे में किसी भी विधेयक का राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को 123 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA के पास मात्र 114 राज्यसभा सांसद, लेकिन उसके किसी बिल को पास कराने के लिए 11 और सांसदों का समर्थन जुटाना पड़ेगा। अभी तक बीजेडी के साथ रहने से मोदी सरकार के लिए आसान रहता था, लेकिन अब मुश्किलें होंगी। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में अपना नंबर बनाने के लिए तमाम छोटे और अन्य दलों के साथ की कवायद करनी होगी। हालांकि YRS कांग्रेस अभी भी बीजेपी और मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। बुधवार को YRS कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों ने PM मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने पर विपक्षी सांसदों की निंदा की। वह सदन में विपक्षी प्रदर्शन के से दूर रही और उसने सरकार का साथ दिया। राज्यसभा में YRS कांग्रेस के 11 सदस्य हैं। ऐसे में बीजेडी के कमी को YRS कांग्रेस के समर्थन से पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश में उनकी विरोधी TDP NDA का हिस्सा है, ऐसे में अब YRS कांग्रेस अपने सियासी तेवर बदल दे उसे कहना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत का नंबर की व्यवस्था करनी होगी।